आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे सो so वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट में और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी ए फ्यूचर स्टाफ नर्स एग्जाम की प्रेपरेशन सो so, मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो में जितने से ज़्यादा एम सी क्यूज़ आपको करवा पाऊँ जो हमारा सेवन को पेपर हुआ था उस हिसाब से मैं आप लोगों को एम सी क्यूज़ करवाऊँगी तो जब तक पेपर है सिक्सटीन तक थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अब ये चार दिन मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए जितनी हो सके उतनी वीडियोज़ अपलोड करूँगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो क्योंकि पंजाब की आने वाली डी एच एस की वैकेंसी भी इस पेपर के बाद रिलीज़ हो जाएगी ठीक है तो उसके लिए भी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो एंड इसी वैकेंसी के लिए अगर आप कोई भी एमसीक्यू uh, क्लासेस कर रहे हो तो आप गोल्डन की पॉइंटर्स मेरे से बाय कर सकते हो जो कि टू हंड्रेड प्लस रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के हैं मिक्स करके लिखे हैं एंड पंजाबी का पंजाबी के एम का पी भी आप मेरे से बाय कर सकते हैं दोनों चीजें जो है वन डबल नाइन की है ओनली एंड ओनली आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बाय कर सकते हो विदाउट एनी डील दे गोल्डन की पॉइंटर्स एंड पंजाबी एम सी क्यूज ठीक है एंड जो पंजाब की आने वाली डी की वैकेंसी है उसके लिए भी वाचे स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं सो लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम आज तो आप हर एक क्वेश्चन को अपनी नोट पे लिख नोट पे लिखो और अच्छे से उस चीज को समझना है सो so, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे सो so, पहला ही क्वेश्चन आपका अनाटमी से है सो so जब भी आप बैचेस में आते हो या फिर मेरे चैनल पे आते हो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अपनी अनेटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक को क्लियर करो आपको सब आ जाएगा ठीक है द आई बॉल इज सिफेरिकल इन शेप विद डायमीटर ऑफ अबाउट तो जो आपकी आई बॉल होती है पिछली बार आपको जो सेवन को पेपर हुआ था उसमें ब्रेन से ठीक है हेलमेट ऑफ द हेड ऐसा करके क्वेश्चन आया था ठीक है तो ये है कि ऐसे ही आई से भी आ सकता है कि जो आपका सफेरिकल शेप का आई बॉल है उसका कितना डायामीटर होता है तो ऑप्शन है 1.8 सेंटीमीटर 3.0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2.3 सेंटीमीटर सो जो आपकी सिफेरिकल इन शेप आई है ना उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर ठीक है सो so, बहुत है फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है जो सिफेरिकल शेप है आपकी आई की उसका अप्रोक्सीमेटली डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर क्लियर चलो नेक्स्ट में देखते हैं द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अडीमा टू द ऑप्टिक नर्व सो जब ऑप्टिक नर्व का अडीमा हो जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो स्कोटोमा ठीक है पेप्लीडीमा लिम्फोडीमा या फिर एंजियोन्यूरोटिक एडिमा सो ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियसली आ चुका है देन इट इज कॉल्ड एज पेप्ली एडिमा सो जो आपकी ऑप्टिक नर्व है क्रेनियल नर्व है ठीक है जो आपकी क्रेनियल नर्व है कौन सी नर्व है भाई ये लिख लेना साथ में इट इज़ अ क्रेनियल नर्व अब ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपकी क्रेनियल नर्व है उसमें कौन से नंबर पे जो है आपकी ऑप्टिक नर्व आती है ठीक है ना ये भी तो पूछ सकते हैं ना ऑप्टिक नर्व कौन से नंबर पे आती है सो आती है भाई सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व है ये ठीक है कौन से नंबर की करेनियल नर्व है ये सेकेंड नंबर की करेनियल नर्व है अब ये भी हो सकता है पूछ सकते हैं कि ये क्या टाइप है क्रेनियल नर्व की सो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसरी नर्व जो कि सेंसेस प्रोवाइड करती है फंक्शन क्या है भाई विजन विजन का फंक्शन है इसका ठीक है और यही पूछें कि मोस्ट आई मूवमेंट कौन कौन सी करवाती है सो जो आपकी थर्ड करेनियल नर्व है जिसका नाम है ऑकुलो मोटर बच्चा ठीक है ऑकुलो मोटर सो ये आई की नर्व्स हैं और इसका जो एडिमा है उसको भी मैंने बता दिया क्या आंसर रहे

नहीं पता मिलिगनेंट ट्यूमर होता है टेस्टिकल्स का ठीक है जो कि मेल हारमोन एंड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है ठीक है और टेस्टिकल्स जो है लूज बैग होता है जो की स्क्रॉटम के अंडरनीथ ठीक है इनसाइड <coughs> लोकेटेड होता है सो so, यहाँ पे जो राइट right ऑप्शन रहेगा इज योर सेमिनोमा सो इस या, इसको याद रखना इट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ टेस्टिक्यूलर ठीक है नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुप एज ए बी ओ सो किसी ब्लड ग्रुप ग्रुपिंग को इन्वेंटेड किया था ए बी ओ सो इट्स अ टीनर जॉन गीबन या फिर विल्म हामे या फिर रॉबोर्ट बाउचर सो इसको लिख लेना ऐसा मत समझना ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है बेटा ऐसे ये क्वेश्चन आपको आएंगे अगर वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे आपने देखा है प्रीवियस जो है आपका पेपर था ठीक है सो इट्स अ ंड स्टीनर ठीक है इसने ही ब्लड ग्रुपिंग को इन्वेंट किया था नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो किसने डिस्कवर की थी डार्विन एरिस्ट्रीओल हार्वे या फिर पास्टर तो एरिस्ट्रीओल से तो एक क्वेश्चन भी आया सोशल एनिमल का कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल किसने बोला था तो एरिस्ट्रियोल ने बोला था ठीक है सो so ये याद रखना सो so यहाँ पर जो राइट right ऑप्शन रहेगा सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो है वो हार्वे ने जो है डिस्कवर्ड की थी नेक्स्ट है शीलिंग टेस्ट यूज फॉर जो शीलिंग टेस्ट आप करते हो किसके लिए यूज करते हो स्टोरेज ऑफ वाइटमिन आदों को तो यही नहीं पता कि शीलिंग टेस्ट उनको ये पता है कि वाइटामिन बी ट्वेल्व के लिए होता है पर होता क्यों है स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन ऑफ बी ट्वेल्व के लिए डाइजेशन ऑफ बी ट्वेल्व के लिए ऑब्जॉर््पन ऑफ बी ट्वेल्व के लिए सो so, देखो जो शीलिंग टेस्ट होता है ये यूरिन का टेस्ट होता है जिसमें हम ऑब्जॉर््प्शन ऑफ बी ट्वेल्व को देखते हैं ठीक है सो इट इज़ नॉट फॉर स्टोरेज इट इज़ नॉट फॉर प्रोडक्शन इट इज नॉट फॉर डाइजेशन इट्स फॉर ऑब्जॉर्बेशन की जो बी ट्वेल्व है वो बॉडी के इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा तो यूरिन में अगर वो एज इट इज ही निकल गया आप उसे बी ट्वेल्व देते हो और अगर वो यूरिन में एज इट इज ही निकल गया देन इट मीन की ऑब्जॉर्ब्शन तो हुई नहीं क्योंकि वो यूरिन में एज इट इज ही आ गया जितना लिया था अगर यूरिन में वो कम आ रहा है देन इट शोज की उसकी ऑब्जॉर्ब्शन जो है वो हुई है ठीक है So next year uh, an eight years old is admitted to the hospital in sickle cell crisis, appropriate nursing care during the periods include, सो so, एक एट इयर्स का बच्चा सिक्कल सेल क्राइसिस को लेके जो है एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में ठीक है तो आप इस पीरियड में अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर क्या करोगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कोल्ड कंप्रेशन टू पेनफुल ज्वाइंट रिस्ट्रिक्टेड फ्लूड अंटिल क्राइसिस ओवर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू ऑल जॉइंट्स तो देखो जब भी कोई भी क्राइसिस के साथ आता है क्राइसिस में क्या होता है कि पूरी बॉडी में पेन हो रहा है क्योंकि बहुत सी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है अकल्शन ऑफ द सिक्कल सेल नॉर्मली आपके जो सेल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं पर इसमें कैसे सेल्स होते हैं एज अ मून लाइक जो है इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सेल का तो ये सेल्स जो हैं ये जाके वेसल्स में क्या हो जाते हैं uh, इकट्ठे हो जाते हैं ठीक है एग्रीगेट हो जाते हैं वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं सो so, वो वो ब्लड वेसल्स जहाँ जहाँ सप्लाई करेंगी वहाँ पर आप जाएगी नहीं क्योंकि ब्लॉकेज हो गई है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है सो इसमें सबसे पहले होता है कि आप पेशेंट को ऑक्सीजन दो बिकॉज जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रही वहाँ पर आप उसको सप्लीमेंटली सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दो प्लस इसमें कभी भी ना फ्लूड रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हाइड्रेशन लेवल पेशेंट का हमेशा मेंटेन करके रखना होता है ठीक है अगर आप कोल्ड कंप्रेशन दोगे तो ब्लड वेसल्स तो क्या हो जाएंगी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी है ना पहले ही नहीं ब्लड जा रहा तो और कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी सो so, ये ये भी नहीं करोगे. नहीं करोगे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन देना है है पेशेंट पेशेंट को को क्योंकि को बहुत ज्यादा पेन है, ये देगा एम आई सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या है या फिर so, जो right रहेगा या, यहां सेप्रो स्टेप्टोकाइनेस तो काफी बच्चे यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन लिखाते हैं नो स्टेप्टोकाइनेस जो है ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ट्रीटिंग फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है ट्रीटिंग माओकार्डियल इन्फेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले देखो बच्चों अगर किसी को भी गोल्डन की पॉइंटर्स बाय करने हैं और पंजाबी के एमसीक्यूज के पीडीएफ बाय करने हैं तो आप वन डबल नाइन पे इस नंबर पे मुझे सीधा मैसेज करके लिख सकते हो बी एफ यू एच एस गोल्डन की पॉइंटर्स ठीक है तो आप अपनी पेमेंट करके ये दोनों पी बाय कर सकते हो गोल्डन की पॉइंटर्स आपको टू प्लस मिलेगा एक पी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के मैंने गोल्डन की पॉइंटर्स लिखे हुए हैं प्लस पंजाबी एम सी क्यू जो आपको सेवन का पेपर हुआ था ना उसमें एटलीस्ट एट से नाइन डायरेक्ट गोल्डन की पॉइंटर्स से जो है क्वेश्चंस आए थे तो जिन्होंने बाय किए थे उन्होंने बताया भी है कि वहां से डायरेक्ट आए थे तो आप इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके वन डबल नाइन में गोल्डन की पॉइंटर्स इन पंजाबी एमसीक्यूज पीडीएफ बाय कर सकते हो सो so, चलती हूँ ने टेंथ क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज फॉर कार्डियक अरेस्ट एसोसिएटेड विद सर्जरी एक्सेप्ट तो ये सारे जो है कॉजेज है कार्डियक अरेस्ट के सर्जरी के दौरान होने वाले एक्सेप्ट एक को छोड़ के हाइपोटेंशन ठीक है देन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन प्लानरी एम्बोलिज्म एक्यूट माओकार्डियल इन्फेक्शन सो इट्स अ एक्यूट माओकार्डियल इन्फेक्शन इज अ नॉट कॉज ऑफ कार्डियक राइट ऑप्शन रहेगा इज एक्यूट माओकार्डियल इन्फेक्शन क्योंकि इन तीनों रीजन देखो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कार्डियक अरेस्ट करा सकता है ठीक है सीओ टू रिटेंशन भी करा सकता है ना?

तो इसका जो मेन साइन देखने को मिलता है इज द ऑल ऑफ द अबव कि पेशेंट को लेग में पेन भी होता है एडिमा भी होता है एंड वाम्पनेस एंड टेंडरनेस भी फील होती है सो so, जहाँ पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होगी वहाँ पे वाम्पनेस टेंडरनेस पेन फील होता ही होता है प्लस एडिमा भी फील होता है ठीक है सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फोर ऑल ऑफ़ द अबफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑस्लर नोड्स आर द फीचर्स ऑफ विच डिसीज कंडीशन सो ऑस्लर नोड्स बन जाती हैं ठीक है थीके? जो आपकी फिंगर्स है ना उस उसपे नोड्स जैसी बन जाती हैं वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पेरिकाडाइटस यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस माओकाडाइटिस तो आजकल हम बैचेस में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कर रहे हैं तो रिसेंटली हमने ऑस्लर नोड्स के बारे में उस उसमें पढ़ा है तो जो आपकी ऑस्लर नोड्स है वो हमें इफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलती है एंडोकार्डाइटिस में हमें बहुत से साइन रोथ स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोकार्डाइटिस का ठीक है मेन इसका जो रीजन होता है इज स्टेप्टोकोकस बीटा है हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकस इंफेक्शन बैक्टीरिया जो है इसका मेन कॉज होता है मोस्टली क्लियर नेक्स्ट है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड्स टू तो जब ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रेंटिनिज्म मिक्सोडीमा एक्रोमेगैली ग्रेव्स डिसीज़ सो so, यहाँ पे पूछा है उन्हें ग्रोथ हार्मोन की सो so, ग्रोथ हार्मोन की होती है भाई एक्रोगैली ग्रेव्स डिसीज हमें देखने को मिलती है ओवर प्रोडक्शन ऑफ टी थ्री एंड टी फोर मिक्सोडिमा हमें देखने को मिलता है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टी थ्री एंड टी फोर ठीक है सो so, ये तीनों से क्वेश्चन आ रखा है तो तीनों मैंने ऑप्शन में डाल दिए थे कि आप लोगों को पता चल जाए ठीक है तो इन तीनों को ही अपनी नोटबुक में उठा आ, मतलब उतार लेना ठीक है देन है जो आपका क्रिंटिजिम है ये होता है आयरन डेफिशेंसी कंजनाइटल लिख लेना इसको कंजनाइटल आयोडीन सॉरी आर एन बोल रही हूं आयोडीन डेफिशेंसी डेफिशेंसी सिंड्रोम ठीक है इसमें क्या होता है कि जो आयोडीन की डेफिशेंसी होती है इन द बॉडी कंजनाइटली ठीक है सो नेक्स्ट पे चलते हैं डेवलपमेंट ऑफ गोइटर एन लार्ज थायरड लैंड इज मेनली ड्यू टू डेफिशियसी ऑफ तो डेवलपमेंट ऑफ गोइटर होता है जिसमें एन लार्ज थायरड लैंड हो जाता है वो किस चीज़ की डेफिशियंसी की वजह से होता है सोडियम आयोडीन कैल्शियम या फिर आयरन सो यहाँ पे सोडियम और आयोडीन में आपने कंफ्यूज नहीं होना इट्स आयोडीन की डेफिशियंसी की वजह से हमें ग्वाइटर देखने को मिलता है जो कि हाइपर थायरोडिज्म एन लार्ज थायरइड का एक प्रॉब्लम है नेक्स्ट है हार्मोन सिक्रीटेड बाई आइलेट्स ऑफ लेंग्रेज़ ऑफ पेनक्रिया तो कौन सा हार्मोन जो है लेंग्रेज़ ऑफ पेनक्रिया से सिक्रीट होता है प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टोस्टिंग इंसुलिन या फिर हीमोग्लोबिन सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आईलेट्स ऑफ लिंगर ऑफ पेनक्रिया से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और मैं ट्राई करूंगी कि मैं आज एक और वीडियो डालूं जिसमें आपके थर्टी क्वेश्चन एटलीस्ट मैं वन लाइनर करवा दूं फिर कल से हम ये बड़े वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सो कल की वीडियो की में, में वीडियो के लिए भी ये रेडी रहना दोपहर में डालूंगी ताकि सब लोग जो है खाना खाने के बाद मतलब उस टाइम ज्यादातर जो है फ्री होते हो आप लोग तो आप आराम से देख पाओ ठीक है सो so, सारे क्वेश्चन को एक बार सी थ्रू कर लेना अच्छे से इन क्वेश्चन या, को याद कर लेना बाकी आपको कोई भी अगर किसी को भी गोल्डन की पॉइंट और पंजाबी के एमसीक्यूज लेने हैं तो बस आप मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे लिख के मैसेज कर दो मैम आई वांट गोल्डन की पॉइंटर्स ऑफ बी एस अपनी पेमेंट करके आप ये दोनों पीडीएफ बाई कर लो आई एम हंड्रेड श्योर कि गोल्डन की पॉइंटर्स से आपको पांच से छह क्वेश्चन तो पक्का आएंगे लास्ट वाले पेपर जब आपका seventh को पेपर था तो आठ से नौ क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे और मैं आपको फाइव टू सिक्स क्वेश्चन बोल रही हूँ परफेक्टली उससे ज्यादा भी आ सकते हैं तो सोच के चलो इतने नंबर तो आपकी पक्के बाकी पंजाबी के एमसीक्यूज पीडीएफ बहुत है इसमें से अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर जो है इजीली पंजाबी का हो जाएगा तो वन डबल नाइन में आप ले सकते हो बाय कर सकते हो मेरे साथ एंड आने वाली डीएचएस वैकेंसीज के लिए भी मैं वीडियोस इस एग्जाम्स के बाद स्टार्ट कर दूंगी तो आप इस चैनल पे बने रहें एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टिल देन आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करो आज मैं ज़रूर डालूंगी एक वीडियो मैं ट्राई करूंगी टिल देन डू हार्ड वर्क मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय टू पी क्योंकि सेवनटीन तक अब रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालने वाली हूँ और ट्राई करूंगी कि दिन में दो वीडियोज़ हो जाए ठीक है सो ऑल द बेस्ट